हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज संतोजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई एंड रेटना सेंटर गुड़गांव। आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। 1st to 7th April 2024 में ये मनाया जा रहा है। हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस के बारे में। ब्लाइंडनेस जो है हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही हमारे लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल देती है, तो ये बहुत ज़रूरी है जो हमें गॉड ने एक स्पेशल सेंस दी है देखने की, विजन की, इसको बचाया जा सके। तो इसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, ब्लाइंडनेस से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हेल्थ केयर अवेयरनेस है अबाउट आईज, ये लोगों में बढ़ाई जा सके। और ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और जो हम पेशेंट से मिलते हैं उनके बारे में उनको अवेयर किया जा सके। जैसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बच्चों का चेकअप रेगुलर साल के साल होना चाहिए। अब 40 इयर्स के हो गए हैं तो रेगुलर चेकअप होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे ग्लकोमा है, आँख का जो काला चोर होता है, अगर उसको टाइम पर डिटेक्ट ना किया जाए, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो बिना चेकअप के आप अपने विजन को लूज भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप विजन अवेयरनेस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखना है। हेल्दी डाइट लेनी है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ब्लिंक करना है, आंखें गड़ा के काम नहीं करना है, ड्राइनेस से बचना है, और इसके अलावा आपको जो स्मोकिंग है उसको बचना है। इवन पैसिव स्मोकिंग भी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, आंखों में ड्राइनेस लेके आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपनी आई हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। अगला ऑब्जेक्टिव जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का है, वो ये है कि जो लोग, जिनके पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर के लिए, जो रूरल बैकग्राउंड में रह रहे हैं या अर्बन एरियाज में भी अंडर प्रिविलेज सेक्टर है, जैसे हमारे गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो बेचारे लोग तो आई चेकअप के लिए जा ही नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो हैं ही, बट इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे वियान आई सेंटर है, हम भी इंस्ट्रूमेंटल हैं इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव में इन लोगों को एक्सेस टू आई केयर पहुँचाने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो RWS होती हैं या ऑर्फनेजेस होते हैं, या इवन जहां बच्चों की क्लासेस चल रही होती हैं रोड साइड, जहां टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वहां भी हम फ्री आई चेकअप कैंप करते हैं, जहां इन लोगों का चेकअप किया जाता है। इनको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई चश्मे का नंबर है, आंखों में कोई एलर्जी है, आंखों में कोई अल्सर हो रहा है, तो इसके लिए दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। चश्मे का नंबर होता है तो फ्री चश्मे का नंबर दिया जाता है। इस तरीके से इनकी जो विजन जो है, आई हेल्थ है, उसको हम मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव दिया है, एक वीक दिया है, इसको हम पूरे साल को कंटिन्यू करके चलें। अंडर प्रिविलेज लोगों को आई चेकअप करें, उनमें मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करें, उनका आई चेकअप करके उनके क्लासेस का नंबर दिया जा सके, ताकि इस ऑनगोइंग एफर्ट से लोगों की विजन को एक हेल्दी वे में मेंटेन किया जा सके।